तो Redmi Pad में हम लोग एक साथ कितने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम को ओपन करेंगे एंड इसे डाल देते हैं स्प्लिट स्क्रीन मोड में। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं प्ले स्टोर को भी स्प्लिट स्क्रीन में डालने का। दो एप्लीकेशन हो गया। तीसरे एप्लीकेशन के लिए हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, नीचे से स्वाइप करेंगे एंड ये फाइल मैनेजर को हम लोग डाल देते हैं फ्लोटिंग विंडो में। अब फोर्थ एप्लीकेशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि नोट्स एप्लीकेशन को डाल देते हैं फ्लोटिंग विंडो में एंड ये नोट्स दिया गया फ्लोटिंग विंडो में। तो हम लोग अब एक साथ चार एप्लीकेशन जो है यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी पांचवे एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में डालना चाहेंगे, लेट से ये व्हाट्सएप को, तो ये किसी एक एप्लीकेशन से रिप्लेस हो जाएगा किसी एक फ्लोटिंग विंडो मोड से। तो टोटल चार एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप होम पे जाएंगे तो दोनों ही फ्लोटिंग विंडो साइड में चले जाएंगे एंड आप इस पे टैप करके दोनों ही फ्लोटिंग विंडो को वहीं से ओपन कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप इन्हें स्वाइप करके कहीं भी रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे रिसेंट्स में जाते हो तो आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ग्रुप देख पाओगे, तो एक टैप में स्प्लिट स्क्रीन के ग्रुप को ओपन कर सकते हो और इस तरह के ढेर सारे ग्रुप बना सकते हो। ये सब काफी ज्यादा काम की चीजें हैं।